अब तक आपने देखा करजत में सिद्धि के कॉटेज में आग लग जाती है। विनायक उसे वहां बचाने जाता है पर सिद्धि को लगता है आग उसी ने लगाई है। सिद्धि बच जाती है। माँ काली के मंदिर में उसे डॉक्टर प्रतिमा मिल जाती है और वो उसे एक नई जिंदगी और नया नाम रिद्धि सिन्हा देती है। अब रिद्धि 11 महीने 22 दिनों बाद लौटती है विनायक से बदला लेने। रिद्धि विन कुंद्रा की पर्सनल सेक्रेटरी बनती है। विन उसे अपने साथ काम करने के रूल्स बताता है। विन कुंद्रा की शूट के दौरान वसीम सर रिद्धि को डांस करते हुए देखते हैं। वो उसे उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। क्या तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगी प्लीज। अब आगे रिद्धि तुम विन को जानती नहीं। अगर मधु लगातार ऐसी गलती करती रही तो विन सेट छोड़कर चला जाएगा, मेरी शूट रुक जाएगी और मेरी असिस्टेंट भी नहीं आई है आज। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो प्लीज। वसीम सर, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है तो आज मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू, लेट्स गो। विन, तुम रिद्धि के साथ एक रिहर्सल कर लो। मधु, तुम मॉनिटर पे आके मेरे साथ ऑब्जर्व करो। जस्ट वंस विन प्लीज। मधु कम। थैंक यू। एक्शन। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। सब यहाँ मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या।
सर आई एम रियली सॉरी आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था आई वाज जस्ट वेरी ब्रिलियंट तुम बहुत अच्छा नाचती हो क्या तुमने डांस कहीं से सीखा है सर वो बस ऐसे ही आज तुम्हें डांस करता देख मुझे अपनी सबसे फेवरेट स्टूडेंट सिद्धि की याद आ गई आज से करीब एक साल पहले मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट मेरी सबसे अच्छी डांसर मेरी बहुत हार्डवर्किंग असिस्टेंट सिद्धि हम सबको छोड़ के चली गई विन आर यू ओके अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हम काम शुरू कर सकते हैं यस यस व्हाई नॉट आप दोनों रेडी हो जाइए हम शॉट शुरू करते हैं सब लोग तैयार हो जाओ हम फर्स्ट टेक लेने वाले हैं ठीक है अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रही थी मतलब क्या है आपका एक्चुअली तुम्हें हीरोइन बनना है और तुमने सोचा कि क्यों ना पहले मैं विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती और फिर धीरे धीरे उसके सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके मैं हीरोइन बन जाऊंगी क्यों सही कहा ना मैंने जी नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और रियली एनीवे तुम मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर कब दे रही हो सर मुझे एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है ये आपका काम है और आप ही को शोभा देता है ओह कम ऑन रिद्धि एक्टर तो तुम कमाल की हो ही मेरे नौकरी से निकालने के बाद भी तुमने मेरी माँ का दिल जीत लिया और आज ना चाहते हुए भी यहाँ मेरे सामने खड़ी हो मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनके विन सर शॉट रेडी है हाय मास्टर जी विनायक कुंद्रा बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा मेरा यहाँ आने का असली मकसद और तब मैं देखूंगी तुम निर्दोष होने की कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ Amazing, superb. Break. Setting department. Props ले आना. और आपके पास सिर्फ एक ही घंटा है. Please double your speed. Miss Sina. Yes sir. Yes sir. मैं एक घंटे के लिए सोने के लिए जा रहा हूँ. मेरे रूम में कोई आना नहीं चाहिए. मुझे किसी तरह का कोई disturbance पसंद नहीं है. Is that clear? Yes sir. Sure. मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है वहां उस कमरे में विनायक के अलावा कोई नहीं होगा सर आपको विन का डांस कैसा लगा क्या बोलू वसीम मेरे पास शब्द नहीं है और ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं
सर आपसे एक बात पूछूं? एक के दो पूछ। सर आप अपने ही बेटे को यूं छुप छुप के डांस करते हुए क्यों देखते हैं? मुझे अब भी याद है सिद्धि विनायक के शूट के समय भी आप विन को छुप छुप के डांस करते हुए देखते थे। वो क्या है ना वसीम, कि मेरा बेटा जब मेरे सामने आता है तो ढेर हो जाता है। अब एक प्रोड्यूसर तो अपने आप को रोक सकता है, लेकिन एक बाप अपने आप को कैसे रोके? इसीलिए मैं विन का डांस छुप छुप के देखता हूँ। मेकअप हो गया? नहीं सर, वो एक घंटे का ब्रेक दिया है सेट वालों को, कुछ नए प्रॉप्स रिहर्सल्स के लिए चाहिए थे। अच्छा, वो विन का है? वो अपने रूम में रिलैक्स कर रहा होगा। अच्छा। विनायक, इस नशे की दवा से तेरे पूरे शरीर को लकवा मार जाएगा, लेकिन तेरे होश सलामत रहेंगे और तेरे जिंदगी के इस आखिरी एक घंटे में मैं तुझे तेरे हर गुनाह की याद दिलवाऊंगी। ये लड़की विन के इतने करीब क्या कर रही है? विनायक, तेरा अंत समय आ चुका है। मिस्टर शंकर कुंद्रा, आप?
विन मेरी बात सुन बेटा। विन तुमसे वो बैक अप विन विन ये विनायक को आखिर हुआ क्या? ये शंकर काका यानी अपने पापा जी से इतना नाराज क्यों है? भाई कुंद्रा साहब मेरे शूट पे क्या कर रहे थे? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आओ मेरे आसपास भी नजर आए। शंकर ने मुझे अभी भी बताया सब कुछ फोन पर। विनायक अतबस साला, एक बाप को उसके बेटे से मिलने के लिए उसके सेट पे जाना पड़ता है, उसे छुप छुप के देखना पड़ता है, इसलिए कि बेटा अपने बाप से बात करना तो दूर उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बस बहुत हो गया। तू अपने पापा से ये हक छीन नहीं सकता। क्या हुआ अगर वो तेरे सेट पे गया तो? क्या हुआ तुझे छुप छुप के देख रहा था तो? माँ कुंद्रा साहब का मुझ पे कोई हक नहीं बचा, उनकी वजह से आज मैंने सिद्धि को खो दिया और मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। माँ आप तो जानती है ना, आप हो तो मैं इस घर में हूं, वरना ये कुंद्रा मेंशन में कब का छोड़ देता। ओ बेटा जी। मां कुंद्रा साहब से कह दीजिए कि यहां से चले जाएं, और आज के बाद अगर ये मेरे सेट पे दिखाई दिए ना तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। और आप जानते हो मां, एक बार मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। विनायक विन। एक बाप को अपने बेटे को देखने के भी परमिशन नहीं है। शंकर तू भी ना, तू जानता है ना विनायक कैसा है, तू फिर क्यों गया उसके सामने? मैं नहीं गया था मंजरी, मैं तो हमेशा की तरह छुप छुप कर उसको देख रहा था। वो उसकी जो असिस्टेंट है क्या ना मेरी, उसने मुझे देख लिया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि वो वहां पे क्या कर रही थी। ए पापा अब मैं क्या करूं, एक तरफ विनायक है जो शंकर की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और एक तरफ शंकर है जो विनायक को देखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। कैसे मिलाऊं बाप बेटे को? भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तूने वहां शंकर कुंद्रा को पहले देख लिया, वरना अगर उन्होंने तुझे पहले देख लिया होता और अगर उन्हें ये पता चलता कि तू वहां विनायक को खतरा पहुंचाने आई है तो वो तुझे पुलिस में दे देते। क्या करती मैं, क्या होता मेरा, किसकी मदद मांगती मैं बता? मेरा यकीन कीजिए, इस बार मैंने हर एक चीज का ठीक से ध्यान रखा था और मुझे पता था कि अगले एक घंटे तक विनायक के कमरे में कोई भी नहीं जाने वाला है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि एन वक्त पर शंकर कुंद्रा वहां पहुंच गए। विनायक ने तुझे उसके कमरे में देखा तो उसने गुस्सा नहीं किया? पता नहीं, जैसे उसने मिस्टर कुंद्रा को देखा वो फौरन वहां से चला गया, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पापा जी से बड़ा नाराज सा है। नाराज तो मैं भी हूं तुझसे, आज फिर से तूने अपने आप को खतरे में डाल दिया। दादी माँ आप ना मुझसे नाराज मत होना, मुझे मार लो डांट लो बट नाराज होना नॉट हैपनिंग दादी माँ। नौटंकी बेटा वादा कर मुझसे, आगे से तू अपने आप को खतरे में नहीं डालेगी,
दादी माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आगे से मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। पर दादी माँ। हाँ बेटा। मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है। कैसा डर बेटा? कहीं विनायक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या करोगी तुम? क्या सोचा है? कुछ तो करना होगा, वो भी कल सुबह।